एग्लोनीमा बहुत ही खूबसूरत प्लांट, इसके बारे में आज हम बात करेंगे और इसे प्रोपागेट करेंगे, यानी एक पौधे से आप हजारों पौधे किस तरीके से बना सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो में आखिर तक आप मेरे साथ बने रहिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिले और आप अपने एग्लोनीमा प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें और बूशी भी बना सकें, तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। गार्डनिंग से जुड़ी हर एक जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए ओसम गार्डन चैनल को और साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन को और ऑल बटन को ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। एग्लोनीमा ये अलग अलग कलर में आता है, जैसे ये वाइट कलर में है, ये रेड कलर में है और पिंक कलर में भी आता है। कई रंगों में इसके पौधे जो हैं मार्केट में नर्सरी में आपको अवेलेबल ईजिली मिल जाते हैं और इसका जो पौधा है वो 150 से 200 रुपये 250 रुपये तक आपको आसानी से मिलता है। तो दोस्तों इसे आप अपने घर पर ईजिली ग्रो कर सकते हैं। देखिए अगर आप इसकी प्रूनिंग करते हैं, कटिंग लेते हैं, तो उसके बाद जो फुटाव निकल कर आता है वो बहुत ही ज़्यादा आता है और घने जो इसके पौधे होते हैं वो बनते हैं। तो आपको लगभग ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर आधा इंच छोड़कर आपको जो कटिंग है वो काट लेनी है। ये देखिए मैंने एग्लोनीमा लिपस्टिक के 2 पौधे इस गमले में थे तो मैंने निकाल कर इनकी कटिंग ले ली और कटिंग के बाद देखिए कितना ही ज़्यादा बूशी जो पौधा है वो बन गया है। तो इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं और ये पौधा कम पानी में, कम देखभाल में बहुत ही आसानी से ग्रो करने वाला काफ़ी हार्डी प्लांट है और बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो इसकी कटिंग हमने जो है वो ली है, देखिए इस तरीके की कटिंग है। तो चलिए कटिंग तैयार करते हैं। कटिंग तैयार करने के लिए आपको जो पत्ते हैं वो हटाने होंगे क्योंकि जितने ज़्यादा कटिंग के ऊपर पत्ते होंगे उतना ज़्यादा लोड जो है आपकी कटिंग पर रहेगा और आपकी कटिंग सूखने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, सक्सेस होने के कम रहेंगे। तो इस तरीके से आप जो है इसके ऊपर 3 से 4 पत्ते ही ऊपर छोड़ें और ये देखिए इसके जो 3 से 4 पत्ते जो है वो मैंने छोड़ दिए हैं और इस तरीके से कटिंग जो है वो तैयार कर लेंगे। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि इस कटिंग की लंबाई काफ़ी ज़्यादा है, तो इसकी जो नीचे का पोर्शन है वो मैं इससे निकाल लूँगा, अलग कर लूँगा और ऊपर का पोर्शन जो है वो अलग कटिंग और नीचे की अलग कटिंग। मिट्टी जो है आपको एक भाग मिट्टी का, एक भाग रेत का और एक भाग उसमें वर्मी कंपोस्ट का मिक्स करना है और फिर आपको कटिंग जो है वो लगानी है। आप थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर भी अपनी मिट्टी के अंदर मिक्स कर सकते हैं ताकि पौधे जो आप कटिंग लगा रहे हैं उसमें फंगस की वजह से आपकी कटिंग ख़राब ना हो, तो इसलिए आप थोड़ा सा फंगीसाइड भी मिक्स कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको वेल ड्रेन सॉइल जो है वो बनानी है और उसके अंदर अपने पौधे जो है वो लगा देने हैं। इसी तरीके से हम दूसरा पौधा जो है वो भी लगा लेते हैं और इनमें बात करें अगर रूटिंग की तो रूटिंग बहुत जल्दी हो जाती है, यानी कि लगभग 15 दिन अगर आप कटिंग लगाते हैं तो 15 दिन के अंदर अंदर काफ़ी अच्छी रूटिंग आपके पौधे में आपको देखने को मिलेगी। तो ये सारी कटिंग जो है वो हमने अपने गमलों में लगा ली है। इस तरीके से लगाने के तुरंत बाद आपको पानी देना है और इसको शेड एरिया में रखना है, यानी कि छायादार जगह में रखना है जहाँ पर सूर्य की रोशनी तो आती हो लेकिन डायरेक्ट सनलाइट यानी कि डायरेक्ट धूप ना आती हो, ऐसी जगह इसको हम रखेंगे। और दोस्तों ये देखिए इसके जो नीचे का जो पोर्शन था कटिंग का वो भी हमने अलग से ग्रो कर लिया। उसे ग्रो करने के बाद हम 15 दिन के बाद देखते हैं, चलिए 15 दिन का वेट कर लेते हैं और 15 दिन के बाद देखते हैं कि हमारी जो कटिंग है वो कितनी सक्सेस हुई और क्या क्या हमें रिज़ल्ट देखने को मिला, कितनी फेल हुई या कितनी लगी। ये देखिए ये रिज़ल्ट है 15 दिन का, एक भी कटिंग मेरी जो है वो फेल नहीं हुई, जितनी कटिंग लगाई थी सारी की सारी सक्सेस हो गई हैं। और अब मैं आपको इसकी जो रूट्स है वो दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरीके से गमले से हम बाइस के बाहर निकालते हैं तो ये देखिए नई नई जड़ें जो है वो गमले में फैल चुकी हैं, यानी कि रूटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी हो चुकी है। तो इस तरीके से आप एग्लोनीमा के प्लांट जो हैं वो लगा सकते हैं, उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपने घर पर ही बड़ी आसानी से। और दोस्तों इसको लगाने का जो टाइम होता है वो सर्दी को छोड़कर आप कभी भी लगा सकते हैं, बशर्ते ज़्यादा गर्मी ना हो, जैसे लू वगैरह चलती हैं उस टाइम पे ना लगाएं। अगर आप अच्छी केयर कर सकते हैं तो लगा सकते हैं। ये जो कटिंग के नीचे का पोर्शन है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इनके अंदर भी काफ़ी अच्छी रूटिंग हुई है और देखिए ऊपर शूट जो हैं एक एक में से 2-2, 3-3 शूट जो है वो निकल रहे हैं। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इसकी जो कटिंग है वो चाहे छोटी हो या ऊपर की टिप हो या नीचे बॉटम का जो मोटा पार्ट होता है वो हो, आप हर तरीके की कटिंग अपने एग्लोनीमा की लगा सकते हैं। ये देखिए रूटिंग काफ़ी अच्छी हुई है
और रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा मिला है। और इसी तरीके से मैं अपनी नर्सरी में बहुत सारे जो एग्लोनीमा के प्लांट है वो तैयार कर लेता हूँ और तैयार करके फिर उन्हें सेल करता हूँ और नर्सरी वालों से कम रेट में देता हूँ, क्योंकि ये मेरे खुद के तैयार किए हुए हैं। और इस तरीके से ये देखिए रिज़ल्ट। अब दोस्तों इन्हें हम दूसरे गमले में लगाते हैं, मिट्टी वही रहेगी जो मैंने आपको बताया, एक भाग मिट्टी का, एक भाग रेत का और एक भाग वर्मी कंपोस्ट का। तीनों को बराबर मात्रा में लेना है। अगर आपके पास नीम खली है तो मिक्स कर लें, नहीं है तो आप उसकी जगह पर थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर जो है वो भी मिला सकते हैं। पौधे लगाने के बाद उसके अंदर तुरंत पानी देना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी मिट्टी जो है वो सूखी हुई है। और ये देखिए इस तरीके से हम अपने पौधे को, क्योंकि पानी की ज़रूरत कम होती है इस पौधे को, ये डीफन की फैमिली से बिलोंग करता है तो पानी की ज़रूरत जो है वो कम रहती है, तो कम पानी में और कम देखभाल में चलने वाला बहुत ही अच्छा पौधा है ये। और आप इसे अपने घर में ज़रूर लगाएं, इंडोर प्लांट है, घर के अंदर किसी खिड़की के पास लगा दें, बहुत अच्छा ग्रो करेगा, सालों साल चलता रहेगा और जो खूबसूरती है आपके घर की वो भी बढ़ाता रहेगा। तो इस तरीके से हम सभी गमलों में जो है वो पानी डाल लेंगे और पानी डालकर इसे छायादार जगह में रखेंगे ताकि ये और भी अच्छा ग्रो हो। इस पौधे को फुल सनलाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, इसे आप सेमी शेड एरिया में ही लगाएं। ये देखिए ये है एग्लोनीमा पिंक, इसकी भी हमने कटिंग जो है वो लगाई है और इसका जो देखिए बराबर से शूट है वो भी निकल रहा है और यहाँ से जो हमने मोटी कटिंग थी वो काट कर लगा दी। और ये एग्लोनीमा लिपस्टिक यानी कि रेड कलर में जो आता है वो है, इसकी भी हमने कटिंग लगाई थी, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया भी था कि ये काफ़ी बुशी हो गया था। अब दोस्तों जो जिस पौधे से हमने ये वाइट वाली कटिंग ली थी उसका देख लेते हैं 15 दिन में कैसा रिज़ल्ट है उसका। 15 दिन में देखिए जो नई नई शूट हैं वो काफ़ी सारी एग्लोनीमा की निकल आई हैं और हमारा प्लांट जो है वो काफ़ी बुशी हो गया है। तो इस तरीके से आप कटिंग लगाकर अपने पौधे को भी बुशी कर सकते हैं और ज़्यादा पौधे भी अपने घर पर बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाने का। तो दोस्तों बहुत ही आसानी से लग जाता है ये, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।